जय हिंद वंदे मातरम। आज पुनः भारतीय टीम तीसरी बार, अगर T20 की बात करें तो तीसरी बार वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में है। नो डाउट जब हम लोग चुनाव में हैं, 8 लाख वोट लाए हैं, 3.5 लाख खुद गिरडी से लाए हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब सीरियस पर्सन होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। लेकिन मैं उनसे कहूंगा जो लोग मुझे कहेंगे इस वीडियो के बाद कि अब टाइगर को एक सीरियस पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए, तो मैं उन्हें कहूंगा कि जितने भी झारखंड और भारत देश के IAS IPS मिनिस्टर हैं, MLA MP हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप भी बचपन की एक क्वालिटी को अपने अंदर जिंदा रखें। और क्रिकेट मेरी बचपन की क्वालिटी है, मेरी बचपन की यादें हैं। तो बचपन की क्वालिटी और बचपन की यादों से क्या तात्पर्य है? ना बचपन निष्कपट होता है, बचपन निस्वार्थ निश्चल होता है, बचपन में चालाकी धूर्तता नहीं होती है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। तो अगर ये IAS IPS, अगर ये विधायक सांसद मंत्री, अगर इनमें भी बचपना की कोई भी क्वालिटी जिंदा होती तो शायद ये बहुत कम करप्शन बहुत कम करते हैं, चूंकि ये सीरियस पर्सन बन चुके हैं, बचपन की क्वालिटी एक भी इनमें है नहीं, तो इसीलिए लोग घोटाला बहुत ज्यादा करते हैं। अगर काश इनमें भी हम लोगों की तरह बचपन की अगर एक भी क्वालिटी होती तो शायद ये घोटाला नहीं करते। क्यों? क्योंकि बचपन बड़ा साफ सुथरा, बचपन दिल से होता है। याद कीजिए वो कॉलेज का दौर, याद कीजिए स्कूल का दौर, याद कीजिए बचपना वाला स्कूल का दौर। अगर हम लोग टिफिन भी लेके जाते थे और हमारे साथी के पास नहीं होता था, हम लोग बांट के खाते थे। और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को तो कहना ही क्या है कि अगर किसी के पास शर्ट नहीं होता था, फुल पैंट नहीं होता था, हम लोग शेयर करते थे, हर चीज शेयर करते थे, वही बचपन है। तो इसीलिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा तमाम उनको जो लोग आप मुझे कहेंगे कि जरा महतो को सीरियस पर्सन होना चाहिए, खेलकूद की बातें, लेकिन भाई ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो उन्हें भी चाहेंगे IAS IPS उनमें भी बचपन की क्वालिटी रहे, ताकि करप्शन कम करेंगे, भ्रष्टाचार से उनका नाता थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि बचपन धोखाधड़ी वाला नहीं होता है, बचपन में धूर्तता नहीं होती है, बचपन मेल भाव का होता है, बचपन प्यार सद्भाव का होता है, बचपन बचपना का होता है। तो चलिए अब बात करते हैं विश्व कप T20 की। याद होगा आपको कि भारत ने सबसे पहले T20 विश्व कप का फाइनल 2007 में खेला था, वो पहला ही T20 का विश्व कप था। और उस बार हम लोग 50-50 के विश्व कप में बुरी तरह हारे थे, फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए थे, बहुत गुस्सा था, बहुत दुख था। और फाइनली भारत ने T20 का विश्व कप जीता महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, जिनमें सभी खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया था, चाहे रॉबिन उथप्पा हो, युवराज सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, इरफान पठान, RP सिंह, जोगेंद्र शर्मा, हरभजन सिंह, न जाने कई खिलाड़ी। आज पुनः हम लोग एक बार वर्ल्ड कप जीतने की दहलीज पर हैं। विवेकदा राजरप्पा हम लोग डेढ़ घंटा में पहुंचेंगे। आज फिर से हम लोग एक बार विश्व कप जीतने की दहलीज में आके खड़े हैं। उम्मीद करते हैं इस बार धोखा ना हो। बहुत क्रिकेट की हार से बहुत रोए हैं और बहुत दुखी हुए हैं। 2011 के बाद क्रिकेट का विश्व कप हम लोगों ने नहीं जीता है, 24 यानी 13 साल। इसी साल 2023 का वर्ल्ड कप बिल्कुल हमारा था, लगभग वर्ल्ड कप हम जीत ही चुके थे, लेकिन केवल फाइनल हार के वर्ल्ड कप हार गए। तो खैर उम्मीद करते हैं T20 वर्ल्ड कप में कोई धोखा ना हो। और विशेषकर जो टीम अभी है, खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये बंदे डिजर्व करते हैं, वर्ल्ड कप डिजर्व करते हैं। अगर ऐसे महानतम खिलाड़ी, अगर ऐसे खिलाड़ियों के मध्य अगर हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो उम्मीद करते हैं अब तक हमारे साथ जो भी घटना घटी है फाइनल मुकाबलों में, सेमीफाइनल मुकाबलों में, उनको हम लोग पीछे छोड़ के वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि आज ये सही है। 2 टेस्ट चैंपियनशिप का वर्ल्ड कप हार चुके हैं, 1 50-50 का वर्ल्ड कप हार चुके हैं, और 1 T20 का वर्ल्ड कप हार चुके हैं, और 1 ICC चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हार चुके हैं। यानी 5 बड़े फाइनल हम लोगों ने इस दौरान हारे हैं। और सेमीफाइनल की बात कहिएगा तो 15 में सेमीफाइनल, 2019 में सेमीफाइनल, और T20 में भी एक सेमीफाइनल जिसमें वेस्टइंडीज से हारे थे, तो उधर भी 3। यानी ओवरऑल बहुत दर्द मिला है। उम्मीद करते हैं इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप जीते। 2007 में हम लोग T20 में पहला और आखिरी वर्ल्ड कप 2007 में T20 का जीते थे, 11 में 50-50। चलिए 2024 है, रोहित शर्मा की टीम, हमारे कैप्टन की टीम, हमारी टीम बहुत बेहतर खेलेगी। तारा चंदा जरूर गोमिया, विधानसभा में बदलाव होगा। ऐसे मेरा ओपिनियन है
कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए। यशस्वी जायसवाल को इसलिए मौका मिलना चाहिए कि मुझे लगता है कि ऐसे भी तो हमारे कुछ बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो बंदा 10 गेंद खेलता है तो मैच को इधर से उधर लेके चला जाएगा। और सबसे खास बात देखिए विराट कोहली को लेकर, नो डाउट ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं और फाइनल में बिल्कुल वो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, लेकिन आपको याद होगा 2007 का वर्ल्ड कप 50-50 वाला, T20 वाला नहीं, 50-50 सचिन तेंदुलकर को 4 नंबर पर खेलवाया जाता था, जबकि सबको मालूम है वो ओपनर हैं। 2003 में भारत फाइनल खेले थी, सचिन ओपनर थे, सबसे ज्यादा रन। 2011 में भारत फाइनल जीता, सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर का। लेकिन बीच में 2007 में सचिन को कहां खिलाया गया था, नंबर 4 पे। ओपनिंग कौन करते थे, वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन उथप्पा, कभी सौरभ गांगुली, ये 3 में से ओपनिंग करते थे और सचिन 4 में आते थे। सहवाग कभी 3 में आते थे ओपनिंग, सौरभ गांगुली, रॉबिन उथप्पा, लेकिन मैटर था कि सचिन को 4 पे खिलाया जाता था। तो मेरे हिसाब से मानना है कि सचिन के जिस प्रकार 2007 में छेड़ा गया था और इंडिया फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, खैर हम तो फाइनल खेल रहे हैं, तो विराट कोहली के नंबर को नहीं छेड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से वन डाउन। और चूंकि T20 वर्ल्ड कप के अगर इतिहास को देखा जाए, 2014 और 2016 जब हम लोग एक बार फाइनल और सेमीफाइनल खेले थे, सारे नॉकआउट में कोहली ने 50 लगाया था, चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, सारे नॉकआउट में विराट कोहली का 50 था, जबकि नॉट आउट ज्यादातर 50 उनके नॉट आउट थे, यानी नॉकआउट मैचों में विराट कोहली आउट ही नहीं होते थे अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो। तो इसलिए मेरा मानना है कि विराट कोहली को वन डाउन लाया जाए, यशस्वी जायसवाल को ऑफ एंड खिलाया जाए, ठीक है वो खेला है चाहे नहीं खेला है। 2007 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, T20 में यूसुफ पठान को सिर्फ फाइनल में मौका मिला था और बेशक उन्होंने एक चौका एक छक्का लगाया था, लेकिन एक मोमेंटम तो प्रदान करवाया था। तो ठीक उसी प्रकार का जायसवाल 2 छक्के ही लगाते हैं, तो मुझे लगता है T20 के लिहाज से एक मोमेंटम मिल जाएगा। आखिर हम लोग जहां कोहली के विकेट को 10 रन 5 रन में फेंक रहे हैं, 1 रन में 0 रन में, अगर जायसवाल 2 छक्के ही लगा देते हैं तो एक मोमेंटम मिलेगा। और बाकी तो रोहित शर्मा है ही, तो और उसके बाद अगर वो वन डाउन आते हैं तो और बेहतर खेलेंगे। 4 पे सूर्या खेले, 5 में ऋषभ खेले, 6 में हार्दिक और बाकी जो टीम है। ये मेरी अपनी और मेरी ये भी राय है कि चहल को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि चहल लेग स्पिन है और लेग स्पिन को खेलना बड़ा टफ होता है, आप देख ही रहे रशीद खान। और खैर रोहित शर्मा कप्तान महोदय के माइंड में क्या चल रहा है नहीं मालूम, लेकिन मेरे माइंड में चल रहा है कि यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करवाना चाहिए, विराट कोहली को नंबर 3 पे लाना चाहिए, फिलहाल एक बदलाव तो करना चाहिए, चहल को मौका मिले या ना मिले, ये मेरा मानना है। और बाकी उम्मीद करते हैं कि इस बार भारत T20 का वर्ल्ड कप जीते 2007, और आज 24 यानी 17 साल बाद हम लोग 2007 में बच्चे थे, स्कूली छात्र थे, और याद है वो फाइनल, उस फाइनल को बिल्कुल हमें याद है जब हम लोग भींग भींग के मैच, हालांकि एक हॉल में था लेकिन बहुत जोरदार बारिश हुई थी और खूब भींगे थे जीत की खुशी में। तो खैर क्रिकेट, मैं और मेरा बचपन क्रिकेट की यादें, वो कहते हैं ना कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रही, तो क्रिकेट हम लोग का बचपन का प्रेम रहा है, क्रिकेट से एक विशेष नाता रहा है, इस खेल से बड़ा विशेष नाता रहा है। इंडिया की टीम अगर बड़े मैचों में हारती थी, मुझे अभी भी याद है, तो ऑटोमेटिक बुखार हो जाता था, शरीर का तापमान बढ़ जाता था, कभी कभी गुस्सों में कभी घड़ी तोड़ देना, कभी कुर्सी उठा के पटक देना, बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट हो जाते थे। तो ये क्रिकेट लोचन दास, रिंकू सिंह रिजर्व प्लेयर हैं, अगर किसी को चोट लगेगा तभी उनको मौका मिलेगा, नो डाउट। शिवम दुबे जिस उम्मीद के साथ टीम में आए थे, परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो संजू सैमसन फिलहाल टीम में है, वहां देखना चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से उससे बेहतर होगा यशस्वी जायसवाल को ओपन में मौका मिले, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब। और अगर वो 10 ही गेंद खेलेंगे तो सोच के देखिए 20-22 रन, और 20-22 रन T20 के मैच में एक मोमेंटम होता है, बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, नो डाउट। राजू कुशवाहा, रोहित इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया आज के दौर में, चूंकि देखिए इससे पहले भी भारत के कप्तान रहे हैं लेकिन वो कप्तानी करते थे, रोहित शर्मा टीम को लीड भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्कोर की उम्मीद भी आप रोहित शर्मा से ही करते हैं, मैच जिताने की उम्मीद आप रोहित शर्मा से करते हैं, तो नो डाउट आज के दौर में भारतीय टीम के सबसे बेहतर कप्तानों में से एक हैं। फाइनल जीते हैं नहीं जीते हैं अलग बात है, लेकिन द ग्रेट कैप्टन, उम्मीद करते हैं आज वो दाग भी धो देंगे। तो चलिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जडेजा का भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, सत्येंद्र दा बिल्कुल जिस प्रकार से एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेले, और नो डाउट वो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में विकेट लेने के लिए काफी संघर्ष किए हैं, इसीलिए मैंने चहल का नाम सजेस्ट किया कि अगर चहल आ जाते हैं, लेग स्पिन है,
तो और बेहतर प्रभावी होती। तो खैर अब कप्तान साहब के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे माइंड में यही चल रहा है ओपन में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, वन डाउन किंग कोहली को आना चाहिए, चार में तो खैर सूर्या का फिक्स है, पांच में ऋषभ साहब को आना चाहिए और छह में हार्दिक, और बाकी आप सात को मैनेज कीजिए, आठ नौ दस ग्यारह आप मैनेज कीजिए। रियाजुलदा आपको भी हमारी ओर से ढेर सारा प्रेम। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार दिल दुखी ना हो, इस बार मूड ऑफ ना हो और भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते। हालांकि साउथ अफ्रीका भी फर्स्ट टाइम किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश की है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेल मिले, लेकिन है तो भारतीय, भले साउथ अफ्रीका को हम वर्ल्ड कप के फाइनल में आने की शुभकामना देंगे, लेकिन जीतने की के लिए शुभकामना तो भारतीय टीम को ही देंगे, भारतीय हैं। नो डाउट साउथ अफ्रीका भी एक अच्छी टीम है, अच्छा खेलेगी, लेकिन फाइनल में उम्मीद करते हैं भारत उससे बहुत अच्छा खेले और वर्ल्ड कप भारत की झोली में हो, ताकि हम लोगों को भी, चूंकि आज भी बचपन की कुछ क्वालिटी दिल में है, बचपन यानी क्रिकेट, बचपन का प्रेम यानी क्रिकेट, और ये तो वो बच्चे 1995 से 2005 के बीच जो बचपन को बिताए हैं वो बच्चे भली बातें जानते हैं कि उस समय प्रेम कहानियां खेल के मैदान में हुआ करती थी, क्रिकेट से, क्रिकेट के बैट से, क्रिकेट की गेंद से, खेल कूद में उनकी प्रेम कहानियां होती थी, खेल से उनका प्रेम हुआ करता था, वे बच्चे भली बातें जानते हैं। आज दुनिया अलग है, आज के बच्चों की प्रेम कहानी क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो 2000 के दौर के बच्चे हैं तो उनकी एक दुनिया अलग थी, वो क्रिकेट का मैदान, वो खेल कूद, वो फुटबॉल और भी खेल, लेकिन क्रिकेट उसमें फेवरेट। तो चलिए अब निराशा ना हो, अब उदासी ना हो और दिल दुखी ना हो और बिल्कुल दुखी ना हो, दर्द ना मिले इस बार, इस बार एक मरहम मिले, जितने भी वर्ल्ड कप हारे हैं उसका एक मरहम मिले, एक दवा मिले, एक मरहम मिले, यही दुआ है, यही प्रार्थना है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जीते। साउथ दा नो डाउट, पवन दा बिल्कुल विराट साहब को ओपनिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर जानना है क्रिकेट के इतिहास को भी समझना है तो 2007 का इतिहास लीजिए ना, सचिन तेंदुलकर को चार नंबर पे खेलवाते थे, ग्रेग चप्पल आपको याद होगा, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर जो ओपन के बादशाह हैं उनको चार पे खेलवाया गया था, नतीजा क्या हुआ, भारतीय टीम फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई थी, हालांकि सचिन ने 150 लगाया था तेज दरार, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका सही नहीं था। तो लाइक दैट मेरा मानना है कोहली वन डाउन आए, वो वन डाउन ही है T20 के, टेस्ट के वन डाउन, टेस्ट के तो फिर टू डाउन है, वनडे के वन डाउन है, तो उनका वही जगह, आईपीएल में कहां खेलते मायने नहीं है, आईपीएल का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस से बिल्कुल अलग होता है, देखिए रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस को, तो आईपीएल और वर्ल्ड कप अलग चीज है, कोहली वन डाउन ही खेलने चाहिए, संभव है तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिले, अगर वो 10 गेंद भी बंदा खेलता है तो एक अलग ही मोमेंटम देकर जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार भारत वर्ल्ड कप जीते, सकल देवदा उम्मीद है इस बार भारत वर्ल्ड कप जीतेगी, जितेंद्र दा के जोहार, अनिश दा के जोहार, राजू दा के जोहार, सुरेंद्र दा के जोहार, सभी के जोहार, चला शाम को बैठ के मैच देखा जाए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ जो लोग हमें कहेंगे कि आ यार 8 लाख वोट लाने वाला लड़का जिसकी पार्टी को मिले हैं वो क्रिकेट की बात कर रहा है, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि सुनिए ना, आप भी बचपन की कुछ क्वालिटी अपने अंदर जिंदा रखिए ना, अगर बचपन की क्वालिटी आपके अंदर जिंदा रहेगी तो आप करप्शन कम करोगे, आप बेईमानी शैतानी का काम कम करोगे, क्योंकि बचपन निश्चल होता है, बचपन निस्वार्थ होता है, बचपन निष्कपट होता है, बचपन चालाकी धूर्तता से परे होता है, बचपन भोला भाला सरल होता है, अगर आप लोग के अंदर भी अगर ये क्वालिटी होती तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार आप नहीं करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप भारत की टीम जीते, रंजीत दा के जोहार, अमित दा भी जुड़े हैं उनको सत सत नमन, चरण स्पर्श उनका, और बाकी सभी को जोहार, कम ऑन इंडिया, इस बार T20 का वर्ल्ड कप जो कि 17 साल बाद भारत की झोली में आने के आसार हैं, और अगर वर्ल्ड कप की बात करें ओवरऑल तो 13 साल बाद भारत की 13-14 साल बाद भारत की झोली में आने के आसार हैं, उम्मीद करते हैं ये लंबा सूखा जो रहा है वर्ल्ड कप को लेकर वो खामोश होगा और हमें इस बार वर्ल्ड कप मिलेगा। बाकी सभी को जोहार और भारतीय टीम को बहुत शुभकामनाएं, साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल खेल रही है इसके लिए शुभकामनाएं, लेकिन जीते भारत इसके लिए भारत को शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।